हाय एवरीवन, आज हम काइन मास्टर का ट्यूटोरियल देखेंगे। काइन मास्टर एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है जिसे हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके अपने वीडियो को अच्छी तरह से एडिट कर पाएंगे। काइन मास्टर यूँ तो यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें वो सभी फीचर्स है जो कि एक वीडियो एडिटिंग के लिए ज़रूरी होता है। सो आज हम डिटेल में देखेंगे किस तरह हम अपनी मोबाइल से काइन मास्टर की हेल्प से अपनी वीडियो को एडिट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस बड़े से बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमें चूज करना होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का रेशियो क्या रखना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप 9:16 चूज करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप 1:1 चूज करेंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तब आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, 16:9 वाला। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहला बटन है मीडिया का, इस पर क्लिक करके आप फोटोज़, वीडियोज़, इमेज इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपका जहाँ पे भी वीडियो है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आइकॉन पे क्लिक करके वीडियो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। वीडियो को सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सीजर का। आप अपने वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। ट्रिम का मतलब होता है वीडियो में कट करना, कट लगाना। आप अपने वीडियो को आगे या पीछे से कट कर सकते हैं, और यह यूज होता है जब कोई हमें अननेसेसरी पार्ट अपने वीडियो से डिलीट करना होता है तो ट्रिम के हेल्प से हम उसे आगे से या पीछे से ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सेकेंड है स्प्लिट। स्प्लिट का काम होता है आपके वीडियो के बीच में कट लगाना। कट लगा के आप उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं या कोई इमेज डाल सकते हैं, या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो डाल सकते हैं। अब हम इस वीडियो को ट्रिम करके देखते हैं। जैसे हम इस वाले पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सीजर में जाएंगे और यहाँ पर ट्रिम करेंगे। यहाँ पर ट्रिम के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड, और दूसरा ऑप्शन है ट्रिम टू राइट टू प्ले हेड। ये जो रेड लाइन है इसे कहते हैं प्ले हेड। ये रेड लाइन होता है प्ले हेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी ये होता है वही का पार्ट आपके स्क्रीन पे शो होता है। तो अब हम ट्रिम जहाँ से करना है वहाँ इस रेड लाइन को ले जाते हैं और सेलेक्ट करके हम इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें वीडियो को ट्रिम करना है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम वीडियो के लास्ट में जाते हैं और वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, और इस पार्ट को हम सेकेंड वाले ऑप्शन ट्रिम टू राइट टू प्ले हेड पे क्लिक करके इस वीडियो के कुछ राइट साइड के पार्ट को डिलीट करते हैं। अब हम स्प्लिट ऑप्शन को देखेंगे। स्प्लिट में हम वीडियो में कोई भी कट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक कट डाल देता हूँ। यहाँ पर हमें कोई दूसरा वीडियो, इमेज या अपने चैनल का इंट्रो डालना है तो हम जस्ट यहाँ अपना प्ले हेड ले जाएंगे और वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए स्प्लिट हो गया है। अब आप यहाँ कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। ये आप यहाँ कोई भी एनिमेशन डाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमें यहाँ पे कोई इंट्रो डालना है या फोटो डाल के देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम मीडिया में जाएंगे और एक फोटो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा इंट्रो या हमारा जो फोटो है वो आ चुका है। अभी हम प्ले करके देख लेते हैं। इस तरह से हमारे पहले वीडियो के पार्ट के बाद ये एक इमेज आने के बाद फिर हमारा दूसरा वीडियो प्ले हो जाएगा। अगर आपने कोई भी काम ऐसा किया है जो आपको नहीं करना था, आप वापस जाना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए एक लेफ्ट साइड में यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एक अंडू का बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी काम आपने करा है वो सब वापस हो जाएंगे। इसके नीचे वाला बटन है रीडू। रीडू का काम होता है कि आप इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में चले जाएंगे। यहाँ पे हम अंडू करके देख लेते हैं। देखिए हम अंडू करने के बाद वापस आ चुके हैं। वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है पैन एंड जूम का।
काफ़ी सारे वीडियो आपने देखे होंगे, जब वो स्टार्ट होता है तो जूम इफेक्ट के साथ स्टार्ट होता है। तो पहले हम पहले कुछ सेकंड के पार्ट को स्प्लिट कर लेते हैं। तो अब हम इस कटे हुए पार्ट पे जूम वाला इफेक्ट डाल के देख लेते हैं। पहले इसे सेलेक्ट करेंगे और ये जूम वाले पैनल पे जाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट पोजीशन चूज करेंगे और अपने तरीके से स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेंगे जूम को। अब उसके बाद हम एंड पोजीशन चूज करेंगे, इसे भी एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद ओके क्लिक करेंगे। अब हम प्ले करके देख लेते हैं किस तरह का हमारा सिनेमैटिक इफेक्ट आ रहा है। हमारा वीडियो कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। ये होता है जूम इफेक्ट। अब हम अंडू करके वापस हो जाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है ऑडियो का। अब हम इसे सेलेक्ट करके ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी वीडियो के ऑडियो को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने वीडियो के ऑडियो को बढ़ाने के लिए यहाँ 100 से 200 पे ले जाएंगे, कम करने के लिए 200 से नीचे जितना भी आपको करना है उस तरह से कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आप अपने वॉल्यूम को लेफ्ट या राइट में रख सकते हैं। जैसे आप ईयरफोन लगाते हैं तो आपका एक ईयरफोन लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, तो आप जिस आप इसकी हेल्प से आप अपने ईयरबड में पूरी ऑडियो को लेफ्ट में कर सकते हैं या राइट में कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं अभी लेफ्ट और राइट दोनों में है। आपको लेफ्ट में करना है तो इसे इस तरह से कर सकते हैं, और राइट में करना है तो दोनों को इस तरह से ले जा सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहां पे पिच का। पिच के हेल्प से आप अपनी वॉइस को थोड़ा हल्का कर सकते हैं या थोड़ा भारी कर सकते हैं। इसको हम माइनस करके या प्लस करके देख लेते हैं। पतला करने के लिए हमें प्लस करना होता है और मोटा करने के लिए हमें आवाज़ को भारी करने के लिए हमें माइनस करना होता है। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है क्लिप ग्राफिक्स का, जिसको क्लिक करके हम अपने वीडियोस में कुछ ग्राफिक्स डाल सकते हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं। हमने एक सेलेक्ट करा, सेंटिमेंटल पे हमने क्लिक करा है। मैं एक ग्राफिक पे क्लिक करके ओके कर देता हूं। अब देखिएगा इस वीडियो में किस तरह से ये अप्लाई होता है। अभी हम प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से ये अप्लाई हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से ये ग्राफिक ऊपर नीचे शो हो रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन है स्पीड का, इसे सेलेक्ट करके स्पीड में जाते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से घटा सकते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सारे वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड में देखे होंगे, उसे इसी की हेल्प से फास्ट फॉरवर्ड में किया जाता है। यहाँ से स्लो मोशन भी कर सकते हैं, इसे हम इस तरह से स्लो मोशन कर सकते हैं। और अभी हम प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा स्लो मोशन काम कर रहा है। साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन है म्यूट ऑडियो का। फास्ट करने से या स्लो करने से वीडियो को आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो यहाँ से हम म्यूट ऑडियो करके उस वीडियो की आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पिच का, जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पिच का सिर्फ काम ये होता है कि हम आवाज़ को भारी या पतला में जो कन्वर्ट किए रहते हैं वो उसे रखना है या नहीं रखना, यहाँ पे वो इनेबल करना होता है हमें। अब हम वापस आते हैं और अंडू करके सारे इफेक्ट्स को क्लियर कर देते हैं। के बाद आपको ऑप्शन मिलता है रिवर्स का। वीडियो को रिवर्स में आप अपने वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वो एंड से शुरू होगा। जैसे कि आप कोई फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो बनाते हैं वो आगे जाता है, लेकिन आप रिवर्स कर देंगे तो वो वीडियो एंड से शुरू में आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो रिवर्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं वीडियो रिवर्स में प्ले हो रहा है। चीज़ें एंड में थी वो अब शुरू में आ गई है, और जो पार्ट स्टार्टिंग में था वो लास्ट में चला गया है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रोटेट एंड मिररिंग का। यहाँ से आप अपने वीडियो को मिररिंग कर सकते हैं। मिरर का मतलब होता है जैसे लेफ्ट से राइट में करना, राइट से लेफ्ट में करना। जो स्क्रीन पे आपके लेफ्ट में शो हो रहा है वो राइट में शो होने लगेगा, और राइट में शो होने वाला लेफ्ट में शो होने लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रोटेट का। रोटेट का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं वीडियो को किसी भी एंगल में रोटेट करने के लिए। लेफ्ट राइट किसी भी साइड से हम इसे रोटेट कर सकते हैं।
रोटेट करने के बाद आप सेलेक्ट ओके कर देंगे तो वो आपकी वीडियो रोटेट हो जाएगी। अब हमारे पास कलर फिल्टर का ऑप्शन आता है, तो अब हम कलर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वार्म, कोल्ड, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें से एक पे हम पहले क्लिक करके देख लेते हैं, एक को सेलेक्ट करके। आप जो भी फिल्टर डालेंगे यहाँ पे वो शो हो रहा है, देखिए किस तरह का चेंजेज आ रहा है हमारे वीडियो में। आप किसी एक को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देंगे, आपके वीडियो में वो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। प्ले करके आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी वीडियो में वो फिल्टर अप्लाई हो चुका है। फिल्टर के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ ब्राइटनेस है, इसे यहाँ से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट हम इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ सेचुराइजेशन का, जिसे हम कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली आपके वीडियोज़ के कलर को एडजस्ट करने के लिए, सही करने के लिए इन सारे फंक्शन का यूज किया जाता है। एडजस्ट करने के बाद आप ओके क्लिक कर देंगे तो ये आपके वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। एडजस्टमेंट के बाद आपका ऑप्शन मिलता है इक्वलाइजर का। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप इक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बास बूस्टर, बास रिड्यूसर, हिप हॉप, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसे सेलेक्ट करके आप अपने ऑडियो को अच्छी तरह से चेंज कर पाएंगे। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके ऑडियो में किस तरह का चेंजेस आया है, जो आपको सही लगेगा उसे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है वॉल्यूम इनवलप का। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसकी हेल्प से आप अपने वीडियो के ऑडियो को कहीं कम कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि काफ़ी सारे वीडियोस में आप बैकग्राउंड म्यूजिक को देखते होंगे, कहीं कम होता है, जब वो बोलने लगते हैं तो वो कम हो जाता है, और जब वो किसी चीज़ को शो कर रहे होते हैं तो उसे ज़्यादा करना होता है, तो इसी की हेल्प से वो किया जाता है। आइए देखते हैं इसे किस तरह से करते हैं। अब हम पहले अपने प्ले हेड को एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ हमें वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना है। प्ले हेड को स्क्रीन पर लाने के बाद ये प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम उसे आगे लेके जाएंगे और यहाँ ला करके हम इसे प्लस पे वापस क्लिक करेंगे। अब बीच में हम यहाँ पे वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने ऑडियो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट ले लेगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिवर्ब का। रिवर्ब के क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कैब 1, कैब 2, चर्च, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑडियो उस तरह के साउंड इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। चर्च में करते हैं तो चर्च की तरह साउंड करेगा, स्टूडियो में करते हैं तो स्टूडियो में हमारा ऑडियो कन्वर्ट हो जाएगा। आप अप्लाई करके वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं किस तरह से आवाज़ स्टूडियो में आ रही है। इसी तरह एक और हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वॉइस चेंजर का। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एलियन के आवाज़ में हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास रोबोटिक आवाज़ होते हैं, वोमेन के आवाज़ निकालने के होते हैं, मैन के, किड के, जिस किसी एक पे सेलेक्ट करके हम ये अपने ऑडियो में एडजस्ट कर सकते हैं, अपने ऑडियो में अटैच कर सकते हैं इस आवाज़ को। जिसे हम चूज करेंगे वो हमारे ऑडियो में अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम रोबोट चूज करेंगे तो हमारे ऑडियो रोबोटिक टाइप में हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है विनियट का, जिसे हम इनेबल करने के बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरह का सिनेमैटिक लुक में आ जाएगा। डार्क शैडो चारों साइड से हमारे वीडियो में दिखने लगेगा और इस तरह से हमारा वीडियो सिनेमैटिक लुक में एक तरह से शो होने लगेगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, जिसका यूज करके हम अपने किसी भी वीडियो से ऑडियो को डिटैच कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। जैसे कि हम किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन अलग से उसकी ऑडियो को हम माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें उस वीडियो के ऑडियो को हटाना होता है, माइक्रोफोन वाले अपने रिकॉर्डेड ऑडियो को अटैच करना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ से इसे अलग कर सकते हैं ऑडियो को, और डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम मीडिया के सारे ऑप्शंस को देख लिए हैं कि मीडिया में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे, उसके क्या क्या यूजेज थे, किस तरह से हमने सारे फंक्शन को, सारे फीचर्स को यूज करा है अभी तक। अब हम लेयर वाले पार्ट को देख लेते हैं। इस इंटरफेस में हमारा एक लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह के ऑप्शन शो होने लगते हैं। एक वीडियो में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें लेयर के थ्रू अप्लाई होती है। अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ अभी एक लेयर है। अब हम देखेंगे कि इस लेयर की हेल्प से हम किस तरह से दूसरे फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं,
जैसे कि हम अपने वीडियोस में कोई लोगो डालना है तो उसे किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे, फिर हम अपने लोगो को या कोई भी फोटो है उसे जिसे हम लगाना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से यहाँ स्क्रीन पे वो शो होने लगेगा। उसके बाद फिर हम उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और जहाँ पे स्क्रीन में हमें लगाना होगा वहाँ ले जा करके इसे हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे, वहाँ लगा देंगे। ओके क्लिक करेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं इन एनिमेशन में जा करके। इन एनिमेशन में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इन फैड पॉप इन तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक को सेलेक्ट कर लेंगे आप और ओके क्लिक कर देंगे, वो एनिमेशन आपके इस फोटो में इस लोगो में अप्लाई हो जाएगा। आप अपने इस फोटो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो में रखना चाहते हैं तो इस तरह से नीचे में इसे लंबा खींच करके पूरा वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम प्ले करके देख लेते हैं किस तरह ये पूरे वीडियो में आ चुका है। इसी तरह आप अपने वीडियो में अगर टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट में जाएंगे, फिर आप टाइप कर लेंगे जो आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे टाइप करने के बाद ओके करेंगे, फिर आपके स्क्रीन पे इसे एडजस्ट कर लेंगे जिस तरह से हमें एडजस्ट करना है, छोटा या बड़ा कर लेंगे इस तरह से। इस पे भी आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन में जा करके फैड पॉप स्लाइड राइट इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे आप। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट देखने को आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं, आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करके आप वो फॉन्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को भी इस तरह से यहाँ सेलेक्ट करके आगे तक बढ़ा सकते हैं, आप पूरी वीडियोस में इसे रख सकते हैं। आइए एक बार प्ले करके हम देख लेते हैं ये टेक्स्ट हमारे पूरे वीडियो में किस तरह से शो होता है। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में जैसे कुछ पार्टीशन को हमें ब्लर करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए आप लेयर में जाएंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे बेसिक इफेक्ट मिल जाता है एक ऑप्शन, नीचे गेट मोर है, गेट मोर में आपको गेट मोर पे क्लिक करके आप यहाँ और भी इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक इफेक्ट को देख लेते हैं। ब्लर वाला हमें दो यहाँ पे बेसिक में देखने को मिल रहा है, हम पहला वाला चूज करके ओके करते हैं और इसे वीडियो में अप्लाई करके देख लेते हैं। ब्लर स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब जहाँ पे हमें ब्लर करना है, जिस पार्ट को हमें ब्लर करना है वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इसे, छोटा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। ब्लर करने के बाद यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसे एक एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे ब्लर के लिए और ओके कर देंगे, वो एरिया हमारा ब्लर हो जाएगा। इसी तरह आपको लेयर में ओवरले का ऑप्शन मिल जाता है, हैंडराइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट का मिल जाता है। अब हम वीडियो में एक छोटी सी वीडियो को अटैच करके देख लेते हैं। वापस लेयर में जाएंगे, फिर मीडिया में जाएंगे और अपने फोल्डर से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे स्क्रीन पे ये वीडियो आ चुका है, इसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसे कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम ओके करेंगे, उसके बाद हम प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये दोनों वीडियो हमारा कैसे प्ले हो रहा है। ये फंक्शन ज़्यादातर रिव्यू चेक करने के लिए दिया जाता है, जैसे किसी ट्रेलर या किसी मूवी या किसी चीज़ का रिव्यू हम देख रहे हैं तो इस तरह से हम नीचे में वीडियो अटैच करते हैं और यहाँ पे रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस तरह से इसका यूज होता है। इस अटैच वीडियो की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करने के बाद सारे मिल जाएंगे। इसमें भी हम एडिट वगैरह कर सकते हैं जो हमें करना होता है इस तरह से। इसमें भी हम एनिमेशन डाल सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं जो हमने पहले वाले लेयर वाले वीडियो में करा था। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है वॉइस का, इस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बार अलाउ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये ज़्यादातर यूज होता है जब किसी हम रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, कोई इमेज या कोई वीडियो चलते रहता है और हमें वॉइस ओवर देना रहता है तो इसका यूज हम उसी वे में कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और जो भी आप बोलेंगे वो यहाँ पे आपके रिकॉर्डिंग में आ जाएगा वीडियो के ऊपर। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है ऑडियो का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे हमें म्यूजिक एसेट्स देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑनलाइन थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ये हमारे ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एक सॉन्ग्स के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी फ़ोन में डाउनलोडेड सॉन्ग्स हैं उनकी लाइब्रेरी खुल जाती है, इनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉन्ग वो ऐड हो जाएगा हमारे वीडियो के साथ।
आप प्ले करके देख सकते हैं ये किस तरह से अटैच होता है ऑडियो। आप म्यूजिक की वॉल्यूम को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक में बेसिकली यूज होता है, तो इसे हमें कम करके वॉल्यूम को रखना पड़ता है। ये ऑडियो हमारे वीडियो से ज़्यादा है, तो इसे हमें ट्रिम करने के लिए यहाँ पे प्लेहेड को लाएंगे और इस तरह से यहाँ से ट्रिम कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है और ऑडियो छोटा हो जाता है। जैसे कोई भी YouTube वीडियो में हमें कोई क्लिप ऐड करना होता है, वो बहुत छोटा होता है, तो उसे हम किस तरह से लॉन्ग टर्म में पूरे वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। ऐसे में आप यहाँ पे नीचे आएंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक लूप का ऑप्शन आता है, लूप टू एंड का ऑप्शन आता है, तो इन दोनों को इनेबल कर देंगे आप। इससे आपका म्यूजिक कितना भी छोटा हो वो पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखेंगे ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के हेल्प से, कोई दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इसके लिए एक हम नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इस नए प्रोजेक्ट पे काम करके देख लेते हैं किस तरह से हम ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम मीडिया में जाएंगे, पहले हम एक बैकग्राउंड लेंगे, या तो कोई भी वीडियो भी हो सकता है या कोई इमेज भी हो सकता है, तो हम कोई एक इमेज ले लेते हैं बैकग्राउंड में। आपके पास कोई भी घर का किसी चीज़ का इमेज होगा तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास जो इमेज है, मैं एक इसी में से एक इमेज ले लेता हूँ। काइन मास्टर में ऑलरेडी काफ़ी सारे बैकग्राउंड दिए गए हैं, इनमें से एक को हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम लेयर में जाएंगे, फिर मीडिया वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और वो वीडियो सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। इस तरह से स्क्रीन पे लाने के बाद इसे यहाँ से या तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, या हमारे पास यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन मिल जाता है जिससे हम वीडियो की स्क्रीन को फिट टू स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो फुल स्क्रीन में अटैच्ड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्रोमा की का, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रोमा की को, इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस नीचे शो हो रहे हैं, पहला है बैकग्राउंड के लिए और दूसरा है बॉडी के लिए। इसे कम या ज़्यादा आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद बस आप ओके कर दीजिए और देख सकते हैं कि हमारा वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं वीडियो को, और जो बैकग्राउंड हमने डाला हुआ था वो यहाँ शो हो रहा है। और इस तरह से हम स्क्रॉल करके बैकग्राउंड को पूरे वीडियो में इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हमारा वीडियो पूरे स्क्रीन पे किस तरह से शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्रॉपिंग का, यहाँ पे हम क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्रॉप कर लेंगे जितना हमें पार्ट को क्रॉप करना है वीडियो का या इमेज का, उतना को क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए आप सिर्फ हमारे पास वही हिस्सा रह गया है, इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे या फिट टू स्क्रीन करके पूरे स्क्रीन पे फिट करा सकते हैं जैसे हमने ग्रीन स्क्रीन में कर रखा था। यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और पूरे स्क्रीन पे इसे फिट कर देंगे। एक फीचर्स हमारे पास है अल्फा ओपेसिटी का, इसे कम या ज़्यादा करके हम वीडियो में इस तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं, शैडो इफेक्ट इस तरह से आ जाएगा हमारे वीडियो में। इसी तरह एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ब्लेंडिंग का, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह के मल्टीपल ओवरले इस तरह के ऑप्शन शो होने लगते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब होता है या आपके पास दो वीडियोज है या एक वीडियो या एक इमेज है, उसे आप मिक्स करना चाहते हैं तो इसके हेल्प से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ओवरले कर देंगे तो यहाँ मिक्स हो जाएगा, वीडियो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाती है। यहाँ पे हम इसे नॉर्मल करके ओके कर देते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस वैसे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हम स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, यानी कोई भी वीडियो के पार्ट को कैप्चर करना है हमें, थंबनेल के लिए बनाना है, तो उसे किस तरह से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कैप्चर एंड सेव पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से एक स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में सेव हो चुका है, जिसकी हेल्प से आप बाद में थंबनेल बना सकते हैं अपनी वीडियो का इस तरह से। ये आप वीडियो में कहीं का भी कर सकते हैं, बस आप अपने प्लेहेड को वहाँ लेके आएंगे और इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नीचे यहाँ क्लिक करके आप अपने सारे लेयर को एक साथ यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट सेटिंग दिखाई देगा। सबसे पहले ऑडियो सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से ऑडियो सेटिंग में फेड इन फेड आउट का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी वीडियो स्टार्ट होता है तो वो धीरे से आवाज़ साउंड म्यूजिक स्टार्ट होगा और लास्ट में आराम से वो ऑफ हो जाएगा, यहाँ से उसकी हेल्प से हम इसे इनेबल कर सकते हैं।
इसी तरह वीडियो में भी फेड आउट फेड इन का यूज कर सकते हैं हम। ये सेटिंग करने के बाद आप ओके कर दीजिए और वीडियो को प्ले करके देख लीजिए किस तरह से इफेक्ट यूज हुआ है हमारे वीडियो में। इसके बाद जब आपका वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगी, आप यहाँ से शेयर बटन पर क्लिक करेंगे और रिजोल्यूशन चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें किस रिजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना है। इसे लो या हाई यहाँ से कर सकते हैं। इसे हम हाई करके यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसे प्ले करके हम देख लेते हैं एक बार। MX Player में ये प्ले हो जाएगा।